हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए द एडवोकेट अमेंडमेंट्स बिल। ये कब पारित हुआ, किस कानून मंत्री ने इसको संसद में रखा, ये सब यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। इसमें सब लेकर आए हैं तो एक एक करके और चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, इसको संसद में रखा गया। ये नई संसद का फोटो है, पहले तो इसको पुरानी संसद में ही रखा गया था, लेकिन अब जब ये दिसंबर 2023 में रखा गया है तो अब इसको नई संसद में ही रखा गया है, क्योंकि पुरानी संसद से तो पारित हो गया था, तो एक संसद रह गई थी, अब उससे भी पारित हो चुका है। तो चर्चा करते हैं, सबसे पहले अपना पेन ले लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं अपना। तो देखो, ये हमारे कानून मंत्री हैं। क्या नाम है इन कानून मंत्री का, अर्जुन राम मेघवाल। ये जरूर याद रखना जो एसएससी पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने ही संसद के अंदर यानी ये जो नई संसद है इसके अंदर ये बिल रखा, मानसून सत्र में इसको पारित कर दिया गया है पूरी तरह से। अब इस पे केवल एक काम रह रहा है, वो है हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर। क्योंकि जब भी कोई कानून होता है कब बनता है, संसद के अंदर कब रखा जाता है, या तो उसको लोकसभा में रखो या राज्यसभा में रखो, जब इन दोनों में पारित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्ट यानी बिल ही कहलाता है। लेकिन वो एक्ट कब बनता है, एक्ट वो यानी कानून कब बनता है, जब उस पर प्रेसिडेंट यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो साइन कर देते हैं, तो वो क्या कानून बन जाता है। तो देखो, इस बिल को राज्यसभा में 1 अगस्त को रखा गया था, राज्यसभा में 1 अगस्त 2023 को रखा गया था, लेकिन इसको पास कब हुआ, तो 3 अगस्त को क्या हो गया, राज्यसभा से पास हो जाता है। यानी 1 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा में रखा जाता है और 3 अगस्त 2023 को इसमें राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है। अब राज्यसभा से पारित हो जाता है, अब कहां पे जाएगा, ये लोकसभा में। अब ये लोकसभा में कब पास हुआ, तो लोकसभा में 4 दिसंबर 2023 को पास हो गया। अब वहां से भी पास हो गया, अब बचे हमारे राष्ट्रपति, अब उनके सिग्नेचर होते के साथ ही ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति के पास जब सिग्नेचर के लिए जाता है, जब दोनों सभाओं से वो पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति की मजबूरी होती है उसको क्या साइन करने की, उसको कानून बनाने की। वो एक बार क्या काम कर सकता है, उसको वापसी लुटा सकता है, लेकिन जब दूसरी बार आता है ना, तो दूसरी बार उसको एक्ट पर साइन करना ही होता है, या वीटो लगा दे। अगर उसने वीटो लगा दिया तो वो हमेशा के लिए वहां पे पड़ा रहेगा, फिर उस पर कोई चर्चा कुछ नहीं होती। लेकिन इस टाइप के जो बिल होते हैं उन पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट है, ये कौन से कानून में अमेंडमेंट किया गया है, ये 1961 का जो एडवोकेट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट हुआ है। और ध्यान देना, ये दो जो हमारे एक्ट थे वहां पे अमेंडमेंट हुआ है, एक तो 1961 में हुआ है और एक किस में हुआ है, 1879 में। तो दो कानून थे, एक अधिवक्ता अधिनियम 1961 और एक विधेयक लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट यानी 1879। तो दोनों में ये क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। ये ध्यान रखना, जो अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल जो आया है 2023 का, वो 1961 और 1879 इन दोनों कानूनों में संशोधन हुआ है, तब जाके इसको अमेंडमेंट बिल कहा गया है। तो दो कानूनों में संशोधन हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पे चर्चा करते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज, इसमें है क्या क्या मुख्य चीज क्या है इसमें, जो दलाल होते हैं ये दलालों को दरकिनार करने के लिए किया गया है। ठीक है, जो दलाल होते हैं, टाउट्स जो होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनको दरकिनार करने के लिए किया गया है। अब ये दलाल होते कौन है, उनको सूचीबद्ध कौन करेगा, ये सब आगे आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सूचियां तैयार करना। अब ये सूची कौन कौन तैयार करेगा, ध्यान देना, जो दलाल होंगे ठीक है, उनकी सूची तैयार करने का काम किसका होगा, जैसे हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जो सेशन कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो सभी के सभी क्या काम करेंगे, सूचियां तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, द अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू फ्रेम एंड पब्लिश द लिस्ट। दलाल है, इनकी सूची कौन बनाएगा, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सेशन कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, ये सभी के सभी बनाएंगे। अब जैसे कोई दलाल है,
अब किसी दलाल पर, किसी जज को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होता है, आईएएस अधिकारी हुआ, इनको क्या होता है, संदेह हो जाता है कि हाँ ये दलाल है, ये दलाल है, तो उसके जांच का आदेश दे देते हैं। यानी यदि वो सस्पेक्टेड है तो उस पर क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी बैठा देते हैं उस पर। लेकिन जब उसको सूचीबद्ध किया जाएगा कि हाँ ये दलाल है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये दलाल कौन कौन, मैंने पीछे बताया था आपको कि दलाल ये है, कैसे पता पड़ेगी, तो इनकी सूची जारी कौन करेगा, तो देखो हाई कोर्ट इनकी सूची जारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूची जारी करेगा, जो सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो जिलाधिकारी होते हैं वो, या राजस्व ऑफिसर होते हैं वो, केवल यही जारी करेंगे, इससे नीचे के अधिकारी नहीं कर सकते, ऊपर के अधिकारी ही जारी करेंगे। अब ये दलाल होता कौन है, आपने भी सुना होगा बहुत सारे दलाल होते हैं जो क्या काम करते हैं कि आओ हम तुम्हारी क्या लगा देते हैं, नौकरी लगा देते हैं, ठीक है, आओ हम तुम्हारी नौकरी लगा देते हैं। और वो क्या काम करते हैं, पैसे खा के बैठ जाते हैं। अब वो पैसा खा के बैठ गए, नौकरी लग नहीं पा रही है, तो ये क्या दलाल ही माना जाएगा। होते हैं ना बहुत सारे, आपके जीवन में भी ऐसे केस सामने आए होंगे, वो क्या होते हैं, दलाल की लिस्ट में ही आएंगे। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जज के सामने बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं जो पैसे लेकर गवाही देने के लिए जाते हैं, और वो कई कई बार गवाहियां देते हैं। यदि जज को इस बात का संदेह हो गया, इस बात का संदेह होगा कि ये पैसे लेके गवाही दे रहा है, तो उसको दलाल की लिस्ट में क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, या उसको कोर्ट से बाहर भगा दिया जाएगा। ये सभी के सभी आप पढ़ लेना है, इसको मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, सब पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, व्यवसाय में एक कानूनी व्यवसाय को रोजगार प्राप्त करने का अवसर, यानी वो रोजगार वाली जो मैंने पीछे आपको बात बताई थी। तो इसमें क्या काम कर, जो न्यायाधीश होता है ऐसे व्यक्ति को कोर्ट से क्या काम करता है, यहाँ पर कोर्ट से क्या काम करता है, बाहर कर देता है उसको। और याद ध्यान भी रखना, यदि वो फिर भी नहीं मानता, यदि वो फिर भी नहीं मानता, उसको पेनल्टी का भी प्रावधान है। अब पेनल्टी में क्या प्रावधान है, तो ये भी देख लो, जो कोई भी पर्सन होगा उसमें पेनल्टी में क्या है, 500। पेनल्टी में क्या प्रावधान किया गया है, यानी जुर्माने में क्या प्रावधान क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है वो दलाल घोषित कर दिया जाता है, दलाल का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या, ₹500 तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, और उसको यानी थ्री मंथ्स के लिए उसके कैद हो सकती है, या इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। तो ये चीज का प्रावधान किया गया है कि यदि जो दलाल है उसमें ₹500 का जुर्माना भी लग सकता है, और 3 महीने तक की उसको कैद भी हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकती है। तो ये अमेंडमेंट जो किया गया था, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, PDF जारी कर दी जाएगी, तो आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ओम शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ, आपको कैसी हमारी जानकारी लगी जरूर बताना, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।